जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बीच गर्भगृह से लेकर भूतल तक सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम भक्तों के इंतजार को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंदिर के अंदर और बाहर की भव्यता दिख रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वही तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। इससे पहले योगी ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी पूजा की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी सचेत रहें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि वो मर्यादा का ध्यान रखें, उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका ख्याल रखें। 22 जनवरी के बाद ही अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए लाएं। और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राम मंदिर सभी का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की शुरुआत हुई है। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है। राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का, और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस उत्सव पर विश्वास रखती हैं जो सभी के साथ लेकर चले। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जो कर रहे हो करिए, आप कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों को छोटा मत समझो। मैं जब तक जीवित रहूंगी मजहबी बंटवारा नहीं होने दूंगी। हमें से उत्सव विश्वास करी जे उत्सव सबाई के लिए चले, सबाई के लिए कथा बोले, एकतार कथा बोले। अपनारा करछेन करुन ना, के आपत्ति करेछे? अपनारा कोर्टेर अंडारे करछेन, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी वोट के लिए सुबह से शाम तक राम मंदिर के प्रचार में लगी हुई है और सारा पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। जिस पैसे से महंगाई रोकी जानी चाहिए थी, नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन वो ना करके फिजूल खर्च कर रहे हैं। पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था, वो न दे करके फिजूल में काम। राम मंदिर को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान और 2024 में राम किसका बनाएंगे काम? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अपने मंदिर में आ रहे हैं श्री राम। 22 जनवरी को पूरा देश करेगा प्रणाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। देश में एक बार फिर मनेगी दिवाली। अयोध्या से श्री राम मंदिर पर भव्य कवरेज। सीएनबीसी आवास पर देखिए राम उत्सव 22 जनवरी तक प्रतिदिन।
और कल से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शुरू हो रहा है। इससे पहले आज शाम को यूएई के प्रेसिडेंट अल जायद शाह जब अहमदाबाद पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी अगवानी की और उनके साथ एक रोड शो भी किया। कैसी है इस वक्त अहमदाबाद और गांधीनगर में रौनक और क्या तैयारी है कल की, जानने के लिए बात करते हैं केतन जोशी से। केतन जी बताइए, आज क्या क्या खास चीज़ें आपने नोटिस की और कल की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात से ही अहमदाबाद आ चुके थे और सीधे गांधीनगर गए। आज सुबह से ही उनका एकदम टाइट शेड्यूल रहा। सुबह 9:30 बजे मोजाम्बिक और अन्य दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्लोबल सीईओस, खासकर माइक्रोन, मारुति सुजुकी, डिक्कन यूनिवर्सिटीज़ के सीईओस को के साथ गिफ्ट सिटी को लेकर भी चर्चा की, भारत में निवेश को लेकर भी चर्चा की। फिर 3 बजे उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया दो राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ मिलकर, जहां पर 20 देशों ने अपना अलग अलग पेविलियन रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी एक पेविलियन है जिसमें भारत की भी कंपनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 100 देश के विजिटर यहां पर आएंगे, कल से आना शुरू हो जाएगा। और जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, वो कल सुबह 9:30 बजे उद्घाटन होगा। और अभी अभी जो यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हुआ, वो अपने आप में खास है क्योंकि भारत और यूएई के बीच में जो साझेदारी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी बढ़ गई है और उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शॉर्ट टर्म के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर और पोर्ट के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जाएगा। कल भी वो समारोह में रहेंगे, द्विपक्षीय वार्तालाप भी कल होगा। तो हम कह सकते हैं कि आज का दिन प्रधानमंत्री का पावर पैक रहा और कल भी बड़े बड़े उनके जो एंगेजमेंट है, खासकर जो फिनटेक के ग्लोबल सीईओज है उनके साथ गिफ्ट सिटी में चर्चा करेंगे। जब ये वाइब्रेंट समारोह का उद्घाटन खत्म हो जाएगा उसके बाद उनकी 2-4 और महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाइब्रेंट गुजरात समिट प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने 2003 में शुरू किया है, 20 साल पूरे होने को है। तो उनका अनुभव भी कल वो हम सबके साथ साझा करेंगे, तो अपने आप में ये समारोह खास बन जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। तो कल से केतन जोशी आपके लिए लाएंगे अभूतपूर्व वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की झलकियाँ। इस बार 20 साल पूरा हुए हैं वाइब्रेंट गुजरात के, और वाइब्रेंट गुजरात में इस बार आकर्षण का खास केंद्र रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। सरकार की जीरो एमिशन पॉलिसी के तहत रिलायंस ने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक शोकेश किया है। आरआईएल के हाइड्रोजन ट्रक का जायजा लिया केतन जोशी ने। ग्लोबल ट्रेड शो में आकर्षण का केंद्र बना है रिलायंस का ये ट्रक, जो कि फुल्ली हाइड्रोजन के ऊपर, H2 के ऊपर निर्भर होगा। देखिए इसको किस तरह से टेक्निकलाइज किया गया है ये समझाने के लिए पूरी बॉडी है वो यहाँ पर ओपन कर दी गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट समझने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं। जिस तरह से अभी पूरे भारत में आप देखिए कि डीजल का कंजम्पशन है, थोड़ी प्रॉब्लम भी है एनवायरनमेंट की, तो ऐसे माहौल में ग्रीन हाइड्रोजन ही एक सबसे बड़ा विकल्प है और रिलायंस ने ये ट्रक लॉन्च किया है। तो आने वाले समय में इसको हम सड़कों पर दौड़ता हुआ देख पाएंगे क्योंकि डीजल का कंजम्पशन भी काफी है। ऐसे में इस वाइब्रेंट समिट में हाइड्रोजन का उत्पादन भी एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है और अलग अलग कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। तो भविष्य का भारत आप ग्रीन हाइड्रोजन के सहारे देख सकते हैं और जो विजिटर है उनका जो झुकाव है वो इस ट्रक पर काफी दिलचस्पी है। देखिए हैवी ट्रक है, लोडेड है और पूरे भारत में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि यातायात, खासकर गुड्स ट्रक्स और गुड व्हीकल को प्रमोट करने की आवश्यकता है और डीजल से मुक्ति पाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में रिलायंस का ये ट्रक काफी गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में और अभी ये ट्रेड शो में सबका आकर्षण का केंद्र बना है। केतन जोशी, गांधीनगर। और बजट एक्सक्लूसिव स्टोरी सीरीज में आज बात टैक्स की। नई टैक्स व्यवस्था में भी एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिशें की है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या क्या सिफारिशें हैं?
देखिए, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड सरकार के सामने रखी हैं, जिससे कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण जो डिमांड ये है कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तर्ज पर एग्जम्पशन दिया जाए। अभी तक मैं बता दूं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एग्जम्प्ट होता है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए और एटीसीसीआईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, वहीं अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो अधिकतम 12% गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं एनपीएस में सिर्फ अधिकतम 10% ही बेसिक का हो सकता है। तो लिहाजा ये पैरिटी बनाने की भी मांग पीएफआरडीए की तरफ से की गई है और हमें जानकारी मिली कि सरकार इन सभी प्रपोजल्स पर विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें एग्जम्पशन और डिडक्शन की संख्या बहुत कम रखी जाए या ना के बराबर रखी जाए, लेकिन इस वक्त एक तरह से देखें तो एक लोगों के भविष्य और रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने के लिहाज से और सेविंग रेट बढ़ाने के लिहाज से ये एक कदम उठाए जाने की संभावना है। शुक्रिया आलोक। और देश में बढ़ती महंगाई ने किचन का बजट भी बिगाड़ दिया। ऐसे में हाउसवाइफ्स की इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। चुनावी साल होने की वजह से इस बार वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्री से इस बार जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो क्या उम्मीद कर रही हैं, ये जानने के लिए मैं आ गई हूं सोनिया जी के किचन में, जहां पर मेरे साथ सोनिया जी के अलावा आप देख सकते हैं और भी महिलाएं मौजूद हैं, हाउसवाइफ्स हैं। इनसे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि घर का बजट संभालना, उसे मैनेज करना, ये पूरा दारोमदार हाउसवाइफ्स पर ही होता है। तो वो क्या कुछ उम्मीद कर रही है वित्त मंत्री से, इस पर इनसे बात करेंगे। सोनिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या उम्मीद है इस बार वित्त मंत्री से आपकी, अगर हम बजट को देखें तो? हाँ दीपाली जी, ऐसे मैं अपने स्टोव के पास ही खड़ी हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि वित्त मंत्री थोड़ा गैस के जो रेट, कुकिंग गैस के जो रेट्स हैं उनको थोड़ा कम करें, क्योंकि सिलेंडर 950 प्लस जाता है से 1100 तक गया है, तो थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे क्योंकि हर चीज तो गैस में कुकिंग गैस यूज होगी। दूसरा हमारे लिए चैलेंजिंग इशू है जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं, क्योंकि हमको तो एक फिक्स अमाउंट मिलता है घर का खर्चा चलाने के लिए और जो राइजिंग प्राइसेस है वो हमको सेविंग करने ही नहीं देते हैं। जैसे मेरा बेटा है वो कॉलेज जाता है तो उसको भी व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो 97 रुपीज पर लीटर है, डीजल है वो 90 है। तो हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारी तो सेविंग्स भी नहीं होती और फिक्स अमाउंट में हमारे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर इस पर ध्यान दें। आप बताएं, घर का कोर तो लेडीज है, हमारा बजट लेडीज से ही शुरू होगा। अब बेसिक है हमारा ऑयल ही था, जो सरसों का तेल, घी है, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं एडिबल मत खाओ ज्यादा सरसों या देसी घी 600-700 पर केजी, और केजी इज नॉट अ बिग अमाउंट की पूरा चल जाएगा, आपको रिफिल भी होना है, सब कुछ होना है। इतना महंगा है और सब्जियां उसी में बननी है, सब कुछ चाहिए। पहले बच्चों को पराठीज खिलाते, आजकल आप सोचो कहां वो बजट रह गए उतने पहले वाला और अब में बहुत फर्क आ गया। मेरा जो मेन कंसर्न है मेरी फैमिली की सेहत, हेल्थ मुझे बहुत चिंता देती है। अब हेल्थ के लिए है कि हम लोग चाहते हैं फ्रूट्स खाएं, जो बुजुर्ग हैं वो भी, एडल्ट्स भी, बच्चे भी, लेकिन कैसे खाएं, इतना महंगा एप्पल हो गया है और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स भी, ऑल द फ्रूट्स दे आर सो एक्सपेंसिव कि क्वांटिटी आप देखो, पहले हमारा फ्रिज भरा होता था, अब गिनती के फ्रूट्स होते हैं, इसमें कौन कौन खाएगा। 2030 तक कोयला उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि कोल इंडिया देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोयले का प्रोडक्शन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत किया जाता था, अगले 4 साल 5 साल या फिर 2030 तक का कोई टारगेट रखा आपने कोयला प्रोडक्शन करने का? हाँ, हमारा पूरा अध्ययन है कि हमारी कोयले की आवश्यकता कैसे कैसे साल दर साल बढ़ेगी। 2030 का लक्ष्य है लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है और उतना जितना देश में जरूरत होगी
जिस ग्रेड का कोल अपने देश में उपलब्ध है उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक क्या हम ये मान के चलेंगे कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे? बिल्कुल, जिस ग्रेड का कोल अपने देश में नहीं है, हाई ग्रेड कोल एंड कोकिंग कोल, वो तो ऑफकोर्स आयात करना पड़ेगा, लेकिन जो कोयला अपने देश में है उसमें निश्चित ही आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इसकी पहचान इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में फार्मा, ऑटो, एग्री पर भी फोकस बढ़ा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बात की सीएम पुष्कर धामी से। उत्तराखंड ऑब्वियसली एक माना जाता है एक टूरिज्म हब के रूप में। आपको लगता है कि उत्तराखंड की पहचान आप सिर्फ एक टूरिज्म हब को ना लेकर बाकी भी इंडस्ट्रीज को लेकर या बाकी के सेक्टर्स को लेकर भी होगी? आज क्वालिटी टूरिज्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक टूरिज्म हमारे यहाँ पहले से ही ज़्यादा है, उसकी संख्या हर साल बढ़ रही है। वहीं अच्छे अच्छे टूरिस्ट भी अब उत्तराखंड आ रहे हैं क्योंकि सभी सुविधाएँ हो गई हैं, जहाँ रेल सेवा अच्छी है, सड़क मार्ग अच्छे हैं, हवाई सेवाएँ अच्छी हो गई हैं, देहरादून पंतनगर के लिए लगातार सेवाएँ चल रही हैं। इसके साथ साथ हेली सेवा भी हमने सभी स्थानों के लिए प्रारंभ कर दी है, इसलिए हर सेक्टर में आज लोगों का आना हो रहा है, तो उसमें टूरिज्म तो प्रमुख है ही है, लेकिन अन्य सेक्टर भी, इंडस्ट्री का सेक्टर है, आज ऊर्जा का सेक्टर है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, उन सभी में भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, एग्रो के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, और यहाँ के लोग भी कर रहे हैं काम कि भगवान के सबसे नज़दीक का क्षेत्र उत्तराखंड है देवभूमि, तो अपने बच्चों का जो विवाह करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनसे बहुत अच्छा हमारा ये राज्य है, हमारी देवभूमि है, तो निश्चित रूप से वेडिंग के रूप में उनके आने के बाद बुकिंगें बढ़ गई हैं, लोगों का आवागमन बढ़ गया है। पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करना मालदीव के मंत्रियों के साथ साथ मालदीव के पर्यटन के लिए भी भारी साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और लोग अपना मालदीव का टूर प्लान कैंसिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में से एक है बॉयकॉट मालदीव्स। लोग इस हैशटैग के साथ मालदीव टूर के कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रैवल पोर्टल्स भी मालदीव के लिए बुकिंग लेने से मना कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने अनिश्चित काल तक मालदीव के लिए बुकिंग बंद कर दी है। ये निर्णय किया है कि हम मालदीव्स का प्रमोशन नहीं करेंगे, मालदीव्स की टिकट नहीं बनाएंगे। 20-25% मार्केट शेयर है हमारा ऑनलाइन बुकिंग के अंदर, तो वही काफी बड़ा झटका हो सकता है मालदीव्स की GDP को, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो काउंटर पार्टीज है वो भी इसको थोड़ा सीरियसली लें। अनुमान के मुताबिक मालदीव के 8,000 से ज्यादा होटल रूम्स और 2,500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंट्स की मुख्य संस्था फेथ भी अपने सदस्यों से मालदीव के बजाय भारतीय डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने को कह रही है। सिमिलरली लक्षद्वीप आल्सो एक बजट डेस्टिनेशन है और इंडियंस को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया एक्सप्लोर करें। ये डेफिनेट है कि लक्षद्वीप इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हॉटस्पॉट। देसी कंपनियां अब लक्षद्वीप के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। ईज माई ट्रिप ने 5 कैंपेन चला रखे हैं। गूगल सर्च में लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड कर रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान पर्यटन का है और वहां जाने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के। जाहिर है मालदीव पर मंत्रियों की बदजुमानी भारी पड़ रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए स्मार्ट वॉचेस बनाने वाली अमेरिकन टेक कंपनी गार्मिन महिलाओं के लिए लेकर आई है HRM फिट। इस पर अचूक हार्ट रेट और ट्रेनिंग डेटा काउंट होगा। क्या है, कितना हाईटेक है इसके फीचर्स, गार्मिन HRM फिट में बता रही हैं हमारे संवाददाता शिवानी घरत। गार्मिन
ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान एक बढ़िया इनोवेशन अनाउंस किया है। ये एचआरएम मॉनिटर खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। अभी एचआरएम मॉनिटर एक स्ट्रैप के तौर पर आपकी घड़ी के साथ पेयर करके आप आपकी एचआर मापने के लिए किसी भी रन के दौरान या फिर वॉक के दौरान आप उसका इस्तेमाल करते थे, वेयर यू वुड हैव इट ऑन योर चेस्ट इन अ स्ट्रैप। अभी इसकी जगह पर ये जो खासकर महिलाओं के लिए एचआरएम मॉनिटर गार्मिन लेके आई है, विच कैन बी स्ट्रैप लाइक दिस ऑन योर मीडियम टू हाई सपोर्ट स्पोर्ट्स ब्रा। बहुत ही बढ़िया फीचर है, बिकॉज जो एचआरएम ओरिजिनली स्ट्रैप के तौर पर गार्मिन के तरफ से आता था, हालांकि जो स्ट्रैप वाला एचआरएम मॉनिटर है वो ज्यादा एक्यूरेटली आपकी एचआर को ट्रैप या फिर मैप करता है एज कंपेयर्ड टू योर स्मार्ट वॉच। पर उसके बावजूद भी बिकॉज एक स्पोर्ट्स ब्रा बीच में आती थी तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था फीमेल एथलीट्स के लिए एक्यूरेटली एचआर को मापना। अभी इसकी वजह से और इसकी बदौलत शायद आने वाले दिनों में आपकी कोई भी हाई एंड जीपीएस गार्मिन वॉच का इस्तेमाल आप इस तरह के एचआर मॉनिटर के साथ कर सकते हैं और आसानी से आपके किसी भी स्पोर्ट के दौरान, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, जो भी स्पोर्ट आप करते हैं उसके दौरान आप अपनी एचआर बखूबी तरीके से एक्यूरेटली मैप कर सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। चिराग और सात्विक साईराज को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शमी के साथ 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं। इनमें हाल ही में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी आर वैशाली का नाम भी शामिल है। और अब एक दुखद खबर, मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। वो सिर्फ 55 साल के थे और लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें 21 नवंबर को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से ही उनका कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। राशिद खान के निधन पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए। साथ ही बजट के तमाम अपडेट्स के लिए भी देखते रहें सोशल मीडिया पर CNBC आवाज़ का खास प्लेटफॉर्म बजट ब्राउज़र।